हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, व्हाट इज अप, कैसे हो आप सभी लोग। फिर से आ चुके हम लोग आइसक्रीम एट की ऑफिशियल गेम प्ले के अंदर। बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है भैया, और आखिरकार में हमारा इंतजार खत्म हुआ। फाइनली दोस्तों लॉन्च हो चुकी है गेम, तो फिर आज हम इसको खेलने वाले हैं और आपको बताएंगे यार क्या क्या इसमें नया आया है। आय आय ठीक है मुन्ना, ठीक है, इजी में प्ले करेंगे आज तो सबसे पहले। हाँ यार ये देखो दोस्तों, जनवरी 1983 की ये बात थी जब एक एक करके सारे के सारे बच्चे आइसक्रीम खाते खाते किडनैप हो चुके थे, और ये सारा काम किया था रोड के बच्चे ने। तब से लेके आज तक भैया इन लोगों को अभी कोई भी खोज नहीं पाया है, और पुलिस वाले को भी भैया इन लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया है कि हमारे बच्चे खो चुके हैं, मगर इनको अभी तक अपने बच्चे नहीं मिले है भैया। आई मुन्ना रोड की फैक्ट्री है इतने जंगल में, मुन्ना कैसे ढूंढ पाएंगे। आए दोस्तों एक एक करके जेब आई चाली और मुन्ना बहुत सारे और भी लोग यहाँ पर किडनैप हो चुके हैं। इन लोगों के पास में एक ही रास्ता है कि यहाँ से कुछ भी जुगाड़ करके कैसे निकला जाए, फैक्ट्री से एस्केप कैसे किया जाए। यार भैया इन लोगों के माँ बाप भैया बहुत ज्यादा परेशानी में है कि कब इन लोगों के बच्चे मिल जाए। मैंने फाइनली ये देखो, ये रही फैक्ट्री रोड की, इसी के अंदर आज सारे के सारे बच्चे हैं मुन्ना, इनको हमें यहाँ से निकालना है। ये लोग मुन्ना प्लानिंग करके यहाँ से निकलने की मुन्ना कोशिश तो कर रहे हैं मगर निकल नहीं पा रहे। आए दोस्तों आइसक्रीम 1 से लेकर 8 तक ये फाइनल चैप्टर है, आज तुम्हें यहाँ से एस्केप करना ही करना है। बाप रे भैया, जैसे कि आइसक्रीम 7 में दोस्तों आपने देखा था सारे के सारे दोस्त लोग यहाँ पर कंट्रोल रूम के अंदर फंस चुके हैं, यानी कि यहाँ से निकलने की पूरी ट्राई कर रहे हैं, मगर रोड के बच्चे को पता चल गया है कि कंट्रोल रूम के अंदर बच्चे यहाँ पर छुपे हैं। तो ये देखो भैया यहाँ पर दरवाजे के अंदर ही खड़ा है, यानी कि उस पार खड़ा है, और भैया जोर जोर से थक्का लगा रहा है, खोलने की ट्राई कर रहा है मगर नहीं खुल रहा है, क्योंकि ये बच्चे यहाँ पर भैया इसको पकड़ के खड़े है। अब हमें यहाँ पर कुछ भी करके भैया निकलने का प्लानिंग करना होगा। ये देखो भैया क्रोबार मिल चुका है हमें, और ये क्या नीचे कुछ है भैया, लीड है, इस लीड को खोलने के लिए हमें इस सोफा को भैया हटाना पड़ेगा। अरे बाप रे मुन्ना क्या तो बात है, ये देखो मुन्ना लीड ही आ रही, इसको खोलने की ट्राई करता हूँ, खुल जा सेम सीम। अरे बाप रे खुल गया भैया, हे आ जाओ लेडीज फर्स्ट, जल्दी से आ जाओ, हे चाली तुम जल्दी से आओ ना। आए मुन्ना सबसे पहले लड़की को बुला लेते हैं, आए मुन्ना लेडीज फर्स्ट, और उसके बाद में ये देखो माइक आ गया और उसका चबी बच्चा भी। अरे बाप रे भैया रोड के बच्चे ने खोल दिया है दरवाजा, मगर इसको पता नहीं है कि यहाँ से बच्चे निकल चुके हैं, और ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है कि यहाँ से बच्चे उसको नहीं मिले है। अब ये भैया कुछ करने वाला है, क्या करने वाला है पता नहीं दोस्तों। ये क्या, ये पूरी फैक्ट्री के सारे दरवाजे भैया लॉक करने वाला है, और ये लोग भैया यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। मुझे लगता है रोड के बच्चे इतना आसानी से हार मानने वाले उससे नहीं है भैया। आए 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 क्या करेगा मुन्ना, ये मुन्ना ये बटन दबाएगा और यहाँ पर सारे के सारे दरवाजे लॉक कर देगा, ताकि ये लोग यहाँ से नहीं निकलने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अरे यार ये ब्लू बटन को दबा दिया और सारे के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने ट्रेलर में देखा था। ये देखो ये देखो ये देखो, पूरी की पूरी दीवार बन चुकी है फैक्ट्री के आजू बाजू, और दरवाजे भी सारे के सारे लॉक हो चुके हैं भीड़ लोग। ओए मुन्ना ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ये लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे। इन लोगों को मुन्ना कुछ प्लानिंग करनी होगी, और जैसा कि माइक का बच्चा यहाँ पर मुन्ना सारी की सारी प्लानिंग करा है, वो बोल रहा है कि मेरे पास में एक मैप है और मैप से मुन्ना बहुत कुछ हो सकता है। अरे यार क्या हो सकता है भैया, और ये बोल रहा है मुन्ना ये तीनों जगह में जो जनरेटर है ना, इसको हमें डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी हम लोग यहाँ से पूरी सिक्योरिटी को बंद कर पाएंगे, और तभी यहाँ से रोड की वैन लेके भाग पाएंगे। और इन लोगों के आपस में बात करने के लिए ये रेडियो भी है मुन्ना, जिसकी वजह से आपस में लोग और मुन्ना इन्फॉर्मेशन ले सकते है। अरे यार ठीक है भैया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर भैया ये लोग मिलकर काम कैसे करेंगे। आए करेंगे मुन्ना करेंगे, इन लोगों को निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना, पुलिस तो यहाँ पर आने नहीं वाली इसकी हेल्प करने के लिए, तो इसीलिए तो इन लोगों की हेल्प खुद ही करनी होगी हमें। अरे यार ये देखो दोस्त, सबसे पहले कौन जाएगा कौन जाएगा, मुझे तो लगता है ये लड़की को ही जाना चाहिए, लड़की को ही जाना चाहिए। ओए ओए लड़की को नहीं, हम जाएंगे। और ये क्या रोड की गंध अंदर ही पड़ी थी,
और ये मैप को ओपन कर कर देखते हैं। और यहाँ पर तो जोसेफ और चेटर्स और इसके अलावा और है लेबोरेटरी और म्यूजियम। तो हम लोग म्यूजियम में जाएंगे सबसे पहले। ये देखो भैया, ये सबसे पहले जाएंगी चाली। तो चाली दरवाजा खोलो और देखते हैं ये हम कहाँ पर आ गए भैया। ओए मुन्ना, ये तो फैक्ट्री वन है ना, जहाँ से हमने एस्केप करना था। ओए मुन्ना, ये तो वही जगह है जहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर भागने की कोशिश की थी। और ये बड़ा सा रोबोट है ना, इसके अंदर हम लोग आ चुके हैं मुन्ना। हाँ यार, ठीक है बोला भैया आपने, मगर ये दरवाजा यहाँ से बंद है। हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ से, यहाँ पर रास्ता खोजना होगा। और रास्ता मुन्ना मिल गया। ये देख मुन्ना, पीछे देखना पीछे, ये रहा नीचे रास्ता। चलो बाहर निकल कर देखते हैं। आओ, ये फैक्ट्री से बाहर निकलने का रास्ता है। बाप रे, चलो बाहर निकलते। अरे यार मेरे लाल, ये क्या ये क्या ये क्या, ये तो इविलन की बच्ची है। रोड की मॉम यहाँ पर हमारा इंतजार कर रही है कि कब यहाँ से बच्चे निकलेंगे और इसका मैं हैमर ठोक के मार दूंगी। अरे बाप रे आगी, ये विलन की बच्ची हमारे पास ही आ रही है हैमर लेके। भागना होगा वरना हैमर का थोड़ा खाना पड़ेगा। और ये क्या, भाग मुन्ना। अरे भागता हो भैया, हमारे पास तो गन के अंदर गोलियां भी खत्म हो चुकी है, अब हम लोग क्या करेंगे भैया। अरे ये क्या भैया, पीछे से कौन आ गया, मगरमच्छ भी है हमारे पीछे। आय आय मुन्ना, ये तालाब के अंदर मगरमच्छ भी रहता है जिससे हमें बचना होगा। वो देख मुन्ना, वो जा रहा है। हाँ यार, देखा भैया मैंने, ये भैया आइसक्रीम में आता था पहले की साइड में, अब तो ये यहाँ पर भी पहुँच चुका है। नू बड़ा कहीं का, ये लोग यहाँ से भागने में हमको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। चलो भैया, हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन सा रास्ता मिलता है। मुझे लगता है इसी के अंदर होगा हमारा रास्ता आगे जाने का। घूम कर आते ताकि विलन को पता ना चले और उसको हम लोग चकमा दे सके भैया कि हम लोग यहाँ से निकल सकते है। मुन्ना, ये यहाँ से चली गई क्या, लग तो भैया बिल्कुल वैसा रहा है मुझे। हे चली गई क्या बुढ़िया। ये देखो भैया जा रही है विलन, इसको यहाँ से जाने देते हैं, उसका पीछा पीछा जाते हैं भैया। आय मुन्ना, हाँ तूने सही बोला, यहाँ पर डीएक्टिवेट म्यूजिक जनरेटर। अरे बीड़ी लाग, समझ गया, हमें म्यूजियम में जाना है, जनरेटर को ऑफ करना और इसके बाद में हमारा ये पहले एरिया का काम खत्म हो जाएगा। तीनों के तीनों एरिया में जाकर हमें तीनों के तीनों जनरेटर को ऑफ करना होगा, तभी हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी को डीएक्टिवेट कर सकते हैं बीड़ू। ओए मुन्ना, अच्छा वो विलन में देखा नहीं। आइए चली गई। चलो दोस्तों, हम भी यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कौन कौन सा रास्ता है मुन्ना। अरे यार, ये तो ऊपर जाने का रास्ता है, लगता है अंदर जाना होगा हमें। हे भैया, इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पर, क्या है, कुछ है क्या। और रास्ता नहीं है। अरे रास्ता मिल गया मुन्ना, ये रहा। और इस वैन को खोलो, चलो अंदर चलते हैं वैन के अंदर। अरे यार, ये कौन से रास्ता है भैया, कहाँ जा रहा है ये रास्ता, म्यूजियम में जा रहा है क्या। अरे यार, म्यूजियम में हम लोग पहुँच चुके भैया। आए बाप रे, ये क्या, ये तो बोरिस रॉबर्ट है ना मुन्ना। ओ, ये तो बोरिस रॉबर्ट है जिसको हमने मारा था भैया। आया मुन्ना, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, इसको हमने छत से नीचे गिराया था, उसके बाद में ये पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। अरे बाप रे, ये क्या है, तो मुन्ना यहाँ पर फिर से खड़ा हो गया। और ये छोटे छोटे मिनी रॉबर्ट ने इसको मुन्ना यहाँ पर जिंदा कर दिया है। और इसके हाथ देखो मुन्ना, उसके पैर तो है ही नहीं, और ये तो पूरा गोरिल्ला बन चुका है। ओह, भागो भागो, वरना ये गोरिल्ला बूटा गोरिल्ला को छोड़ेगा नहीं। अरे यार, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये इतना भी भाग नहीं सकता है हमारे जैसे, हम लोग इससे बहुत ज्यादा फास्ट भाग सकते हैं, उसके तो पैर ही नहीं है, पैर ही नहीं है। ओए ओए ओए, ये क्या बाप रे, ये कैसे दौड़ रहा है मुन्ना, बिना पैरों के हाथ से चल रहा है, नूबड़ा कहीं का, भागो मुन्ना। ओ यार, सही बोला भैया आपने, इस कचरे के डिब्बे में कुछ है क्या भैया, कुछ वेस्ट सामान मिल जाए हमें तो यहाँ से हमारा निकलना पॉसिबल हो सकता है। अरे ये क्या, बोरिस रॉबर्ट, ये रहा भैया। अरे यार, कहाँ जाए, बोरिस रॉबर्ट इस साइड खड़ा है और पीछे की साइड में है हमारे छोटे से मिनी रॉबर्ट, जो कि भैया आवाज करके रोड को बुला सकते है। तो हम लोगों को यहाँ से भागने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो फाइंड करना ही पड़ेगा। आए मुन्ना, कैसे भागे, तो भागे कैसे, समझ नहीं आ रहा है मुझे। आए कोई तो सामान मिल जाए हमें यहाँ से भागने के लिए। अरे यार, क्या करे भैया, क्या करे, चलो यहाँ से चलते आगे और देखते हैं भैया कि यहाँ से कोई सामान मिलती है क्या। इसको खोल कर देखो क्या है इसके अंदर, कैबिन के अंदर भी कुछ नहीं है। और यहाँ से नीचे वो देखो, बोरिस रॉबर्ट है, बोरिस रॉबर्ट निकल जाए यहाँ से। बाप रे, ये क्या हो गया, चुनो कहेगा उसके पास तू क्यों हो गया। ओ, एक्स्ट्रा लाइफ को दबाओ। फाइनली भैया, हम फिर से यहाँ पर स्पॉन हो चुके हैं। ये देखो, गन उठा ली हमने। चलो भैया, फिर से चलते हैं बाहर।
फिर से इविल नन का मुकाबला करना होगा भैया। आए आए समझ गया मुन्ना, चल ठीक है। ये कोला वेंटिलेटर और ये अगी भी लड़की बच्ची, आए तुझे तो मैं फ्रीज करके ऐसा मारूंगा तूने सोची ना होगी। आए मुन्ना इसको हम लोग पहले पोल के ऊपर बुलाते हैं, यहाँ पर मारेंगे और उसको पानी में घसीट कर फेंक देंगे। अज्जा अज्जा ले, ओ, कितना मजा आ रहा है, इसको फ्रीज कर दिया और ये नल्ली तो यहाँ पर गिर गए ढक ढकी करके। अरे यार बीड़ी ले, कितना मजा आ रहा है, इसकी तो हमने बैंड बजा दी, ये तो यहाँ पर फ्रीज ही हो गई। अरे बाप रे, इसकी आंखें कितनी ज्यादा लाल हो चुकी है, इसको तो देख के मुझे डर लग रहा है ये हमको खा ना जाए बीड़ी ले। ओए कुछ नहीं करेगी ये। ओए वहाँ पर सामने कुछ है मुन्ना देख। ओए ये क्या, ये तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता लग रहा है, चलो मुन्ना खोलो इसको। अरे यार भैया कैसे खोले, इसको खोलने के लिए कोई लगता है एक्टिवेशन की चाहिए होगी, और ये गैराज ये किचन लेबोरेटरी सब जाने के रास्ते अलग अलग। हम लोग सबसे पहले इसके अंदर जाएंगे। खोल जा सिम। और ये क्या कंट्रोल रूम है क्या भैया? आए यहाँ पर तो सारे का सारा ऑफ पड़ा है, आए यहाँ से निकलना होगा। अरे बाप रे, यहाँ पर आग जल रही है मुन्ना। आए रुक जा, यहाँ पर कुछ तो हो सकता है, कोई ना कोई तो सामान मिल जाएगी। अरे यार भैया यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, चलो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर मगरमच्छ ना आ जाए, क्योंकि ये तालाब बहुत बड़ा है भैया, मगरमच्छ हमारे पीछे करते करते यहाँ पर भी आ जाएगा तो क्या होगा भैया? मुझे मगरमच्छ से डर लग रहा है। बाप रे, ये तो इधर भी आ गया। आए 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 उसके ऊपर सवारी करते हैं मुन्ना, इसको फ्रीज करके आज चलो ऊपर बैठते। अरे बाप रे ये क्या यार, ये क्या भैया, आपको तो पता ही नहीं चल रहा है, चलो फिर से एक्स्ट्रा लाइफ दबाते हैं। अरे यार क्या भैया, हम लोग फिर से जिंदा हो गए। आए क्या बात है मुन्ना, मजा आ गया। और इस बार में मगरमच्छ के पीछे भी आजू बाजू में भी कहीं पे दिखाई नहीं देना चाहिए हमें, और क्योंकि मुन्ना तुरंत हमला करता है। अरे बाप रे ये क्या, फिर से मार दिया मुन्ना इसने नुबड़े ने। अरे यार भैया बोला था ना आपको, ये क्या, ये क्या कर दिया, आई भी लड़की बच्ची हमको यहाँ पर मुन्ना गाड़ रही है। आई ये क्या, आज दफन मत करना वरना तुझे दफना दूंगा। अरे नहीं यार छोड़ दे विलन, छोड़ दे, हमने कुछ नहीं किया, छोड़ दे मेरी माँ। आए बना ये क्या, अब तो सांस भी नहीं ले पा रहे और गेम प्ले ओवर हो गया हमारा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ये गेम हम लोग जरूर पूरी करेंगे। अरे यार वीडियो, चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में पार्ट टू के लिए। आप लोगों को प्लीज इस वीडियो में कमेंट करना होगा, तभी हम लोग उसका पार्ट टू लेके आएंगे वीडियो। आए चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे यार बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, बाय बाय।